हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा, अगली खबर का रुख करते हैं। देश के लिए रक्षा मामलों से जुड़े अनुसंधान करने वाली शीर्ष संस्था डीआरडीओ है। डीआरडीओ ने कोरोना मास्क उपकरण तैयार किया है। ये जो उपकरण है ऐसा है जो कोरोना को मारता है और सैनिटाइज करने वाले को बचाता है। तो ये उपकरण है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। ये बिना संपर्क में आए विषाणु को खत्म करने वाला उपकरण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की हैदराबाद लैब ने बनाया है। नाम है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। इस उपकरण के भीतर रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों जैसे मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी, नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर और लिफाफे को विषाणु रहित कर सकते हैं। आप समझिए उस खास डिजाइन को जिसकी मदद से इस उपकरण को छुए बगैर सैनिटाइजेशन संभव है। You can see a red indicator switching on. It shows that UVC is functioning now. The device is timer based, so you need not to wait or stand near with the device. After a certain time, it will go to switch off mode automatically. However, if you want to open the cabinet before the timing, you can open it, and I'll show you the safety feature also. I'm opening it without switching off the UVC light. Now you see, the cabinet has been opened and UVC indicator is switched off automatically. Just remove your articles. इस उपकरण में सैनिटाइजेशन के लिए सूरज से मिलने वाले यूवीबी नहीं बल्कि यूवीसी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसकी वजह भी जानिए। यूवीसी मतलब पराबैंगनी किरण। हवा और सतह में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है। विषाणुओं को मारने के लिए यूवीसी विशेष तौर से लैब में विकसित की जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि यूवीसी किरणें इंसान के लिए काफी खतरनाक होती हैं, इसलिए इंसान की मौजूदगी में इन किरणों के इस्तेमाल से बचा जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।